रुक दे अगली खबर दा, आज मुड़ तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होगी। 35,000 कच्चे मुलाजमान पक्का करन ते चर्चा जड़ी है वह की जाएगी। तो दस दे कि अज एक बार मुड़ तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग रखी गई है। तकरीबन 35,000 कच्चे मुलाजम ने जिन्होंने पक्का करन ते चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे सिविल सकत्तरेत दे विच बैठक रखी गई है। हरपाल चीमा मीत हेयर ते हरजोत बैंस मीटिंग विच शामिल होंगे, मीटिंग का हिस्सा होंगे। दोपहर 3 बजे सिविल सकत्तरेत दे विच बैठक होगी। हरपाल चीमा मीत हेयर ते हरजोत बैंस मीटिंग दे विच शामिल होंगे। तो एक बार फिर तो आज मुड़ कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग रखी गई है, जिस विच खास तौर पर जो सब तो वड्डा मुद्दा है 35,000 कच्चे मुलाजमान पक्के करन दा, इस ते विचार होणगे। मीटिंग जिहड़ी है दोपहर 3 बजे सिविल सकत्तरेत विच होगी और अज दी सब कमेटी की मीटिंग हरपाल चीमा मीत हेयर ते हरजोत बैंस भी शामिल होंगे। रविंदर मीत तो अपडेट लैने आ। रविंदर, जिस नाल खास तौर पर कच्चे मुलाजमान पक्के करन दा मसला है वो एक बहुत वड्डा चुनौती भी बनी हुई है सरकार दे लई, सो उही सब तो अहम मुद्दा रहने वाला जिस ते चर्चा होगी अज दी मीटिंग विच। बिल्कुल, सरकार वालों एक सब कमेटी का गठन किया गया कि जिस सब कमेटी के मीत हेयर कैबिनेट मिनिस्टर ने, इस अलावा हरजोत बैंस हरपाल चीमा फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने रखा गया कि इस सब कमेटी के 35,000 मुलाजमान पक्के करने के उत्ते रिव्यू जिहड़ा किया जाना, क्योंकि अज उसकी दूजी मीटिंग है। हालांकि परसों इसकी पहली मीटिंग सी, उस तो बाद अज यह दूसरी मीटिंग दोपहर 3 बजे सिविल सकत्तरेत होएगी। हालांकि इस मीटिंग दे विचों की निकलता यह हाले तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीते दिन जब असी हरपाल चीमा नाल गल कीती सी तां उन्होंने कहा सी कि बहुत सारिया इहदे विच कानूनी अड़चणा ने जिन्हां नूं असी इस मीटिंग के जरिए हल करना चाहते हैं, ताकि जदों असी फैसला लईए 35,000 मुलाजमान नूं पक्के करदा तां उदों कोई कानूनी जिहड़ी अड़क ना जिहड़ी हैगी आ उह होवे। तां इस करके अज इह दूसरी मीटिंग होण जा रही है, दुपहर 3 बजे मीटिंग होएगी। तां मीटिंग दे विच जिहड़ियां कानूनी पहलुआं दे उत्ते चर्चा होएगी, डिस्कशन होएगी, क्योंकि उहनां दे वी जजमेंट जिहड़ी हैगी आ है तो वह कर्नाटक हाईकोर्ट की, लेकिन किसी ना किसी पंजाब बहुत वड्डी अड़चन बड़ी हुई है। उमा देवी जजमेंट दे विच बहुत सारी जिहड़ियां चीज़ां लिखिया हुई सी हाईकोर्ट के वलों, जिसनों डिस्कस भी किया गया गवर्नर वालों। जो पिछली बार इन्होंने पंजाब सरकार ने एक भेजा सीगा अपना पूरा खाका कि असी 35,000 मुलाजमान पक्का करना चाहते हैं, तो उन्होंने गवर्नर ने यह गल कही सी उस जजमेंट की जिक्र किया कि उमा देवी जजमेंट का की करोगे। उमा देवी जजमेंट के हम दसकों भी दस दें, उमा देवी जजमेंट एक कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट है, जिस विच यह गल कही गई थी कि अगर सरकार इन्हां 35,000 मुलाजमान पक्का करना चाहती है तो यह पैसे कितों आउणगे, सरकार कितों पैसे इकट्ठे करेगी, क्योंकि 35,000 मुलाजमान की बहुत लखां करोड़ों के सैलरी होएगी। कि सरकार दे इन्नी सफिशेंट है कि इन्हां मुलाजमान पक्के करके सैलरी दे सके, तो यह जी चीजा है उस जजमेंट के लिखिया हुई हैं। तो हूँ इस जजमेंट के किस तरीके के नाल कानूनी अड़चन बना तो रोकते हैं, तो इस चार तमाम चीजा से अज जिक्र होएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल की इस सारी जानकारी रविंदर। सो 35,000 कच्चे मुलाजमान पक्का करना जोड़ा है सब तो अहम मुद्दा, जिससे कि विचार अज इस मीटिंग में होंगे।